हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आप लोग को आज इस वीडियो में एक सेमिनार की जानकारी दी जाएगी जो लॉ का एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है। वो सेमिनार कब है, कहाँ है, किस डेट को है, उसमें कौन कौन से लोग अपीयर होंगे, उस सेमिनार का क्या टॉपिक है, उसमें क्या क्या चीजें आप लोग को बताई जाएंगी। आप लोग के साथ बैठकर सर भी चाय पियेंगे और भी लोगों को चाय पिलाया जाएगा। तो इस सब सेमिनार के बारे में इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। कैसे लॉ के स्टूडेंटों के लिए, जो लॉ ऑफिसर्स की तैयारी करते, एपीओ की तैयारी करते, सिविल जज की तैयारी करते हैं और इसके साथ साथ हायर जुडिशियल की तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंटों के लिए कोई वैकेंसी आती है उसका एडवर्टीजमेंट आपको बताया जाता है, कोई एग्जामिनेशन की डेट आती है वो आपको बताया जाता है, एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद उस पेपर को आपके साथ बैठकर एनालाइज किया जाता है, उसके आंसर को बताया जाता है, उसका जब इंटरव्यू आता है तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है, इंटरव्यू के बाद जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो जो फाइनल सिलेक्शन में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं उनको चैनल पर परीक्षा रिफ्रेशर पर बुलाया जाता है और वो एक एक करके आप लोगों को बताते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी किया, क्या रणनीति बनाई थी, क्या परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से उनको बेनिफिट मिला, ताकि आप लोग भी उस चीज को फॉलो कर सके और आप भी एक दिन परीक्षा रिफ्रेशर के चैनल पर आप भी आए। इसके साथ साथ जो ऑनरेबल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो आप लोग को बताए जाते हैं, आपको साथ एनालाइज किया जाता है, और जो पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, वो आपको बताया जाए। इतनी ज्यादा विशेषताओं को लेकर परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल रन कर रहा है। तो आप लोग में से जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले, अपने परिचितों को भी बता दे, उनको भी चैनल के बारे में जानकारी दे दे। तो एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही कोई वीडियो बनता है वो आपके चैनल पर आपको आसानी से मिल जाता है। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने एडीजे का एग्जाम क्वालिफाई किया, एडीजे बनकर अपना काम कर रहे हैं, सिविल जज के रूप में सिलेक्शन लिया, एपीओ के रूप में सिलेक्शन लिया, लॉ ऑफिसर्स के रूप में सिलेक्शन लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सिलेक्शन लिया, और अभी जो सबसे बड़ा सिलेक्शन दिया वो नवंबर 2023 में दिया और वो दिया बिहार स्टेट के एपीओ के एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन लेकर। आपने देखा होगा कि जो 55 स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया उनको नाम के साथ उनकी फोटो भी निकाली गई और उन स्टूडेंटों को समय समय पर चैनल पर बुलाया गया रिकॉर्ड के रूप में। आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं उन स्टूडेंटों के इंटरव्यू को। उन स्टूडेंटों ने सर का नाम बढ़ाया, कोचिंग का नाम मान सम्मान बढ़ाया, अपना नाम सम्मान बढ़ाया, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम सम्मान बैठाया, उन्हीं स्टूडेंटों को ऑनर देने के लिए सर पटना आ रहे हैं और पटना में वो सेमिनार होगा। तो आप लोग ये देखें कि कैसे सेमिनार में पहुंचना है, वो प्लेस क्या है। तो सर आप लोग के लिए 25 फरवरी को पटना आ रहे हैं, पटना में 10 बजे वो सेमिनार है। अब वो कहां पर सेमिनार है, देखिए ये गूगल मैप लगा हुआ है। सेमिनार का पहले प्लेस था हीरा पैलेस, तो वो नहीं है, अब वो प्लेस पे नहीं होगा। सेमिनार का जो प्लेस है वो बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जिसको हम लोग उद्योग भवन या उद्योग द्वार के नाम से जानते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर वो उसकी पिक्चर लगी हुई है। तो ये जो बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसी के हॉल में फर्स्ट फ्लोर पर आप लोग के लिए लीगल सेमिनार होगा। इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस है सिन्हा लाइब्रेरी रोड। देखिए पटना में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी है, बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, उसी रोड पर ये लोदीपुर में बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के हॉल में आप लोगों के लिए 10 बजे सेमिनार है। आप 10 बजे शुरू हो जाएगा इसलिए 10 बजे के पहले आप वहां पहुंच जाएंगे, आप भी आएंगे, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी ले आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिलेगा, आप लोग के साथ चाय पीने का मौका मिलेगा। तो आप लोग जरूर आए वहां पर। वहां पर एक जो आप लोगों के बीच में होंगे
वो एडवोकेट रहेंगे, जुरिस्टिक पर्सन रहेंगे, जजेस रहेंगे, लॉ के प्रोफेसर्स रहेंगे, और आपको ये बताया जाएगा हाउ टू क्रैक जुडिशरी एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर जुडिशियल एग्जामिनेशन, कैसे आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करें, चाहे एपीओ की, चाहे सिविल जज की, चाहे एडीजे की। और जो तैयारी करे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक राउंड में आप पीटी भी निकाले, मेंस भी निकाले, इंटरव्यू भी निकाले। ये टेक्निक आप लोग को वहां पर शेयर की जाएगी, आप लोग को नोटबुक भी प्रोवाइड कराया जाएगा, पेन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप नोटबुक पेपर लिख सके, रिकॉर्ड के रूप में अपने पास रखे रहिएगा। तो आप लोग वहां पर आए और अपने फ्रेंड्स को ले आए, सेमिनार को सुने, सेमिनार का हिस्सा बने। लेकिन 10 बजे के पहले आप लोग वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10 बजे से सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पर्सनली भी सर से मिलना होगा, तो सेमिनार के बाद भी सर पटना में रुके रहेंगे 8 से 10 घंटे, उसके बाद तब उनकी वापसी है। तो आप उस बीच में इंडिविजुअल भी सर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग सेमिनार को खूब सफल बनाते हैं, और उसके लिए आपके भी सहयोग की जरूरत है कि आप वहां पर आए और अपने जो भी आपके परिचित है, खासकर जो लॉ से जुड़े, उनको तो जरूर ले आए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।